Hello everyone, thank you so much for the wonderful response that you have given to my earlier video. आपने मेरे पुराने वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतने अच्छे कमेंट दिए, इतने मोटिवेटिंग कमेंट्स दिए कि इसने मुझे एनकरेज किया कि मैं आज ही एक और वीडियो बना के डालूं। और क्योंकि आपका एग्जाम भी पास आ रहा है तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ डिसमिनेट कर पाऊंगी मेरे लिए खुशी होगी। और मैं चाहती हूँ कि आप अधिक से अधिक अच्छी तैयारी कीजिए, बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर के आइए ताकि हम मेंस की आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएं। मेंस मेरा एक फोर्टे है, मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैं अक्सर एम्फेसाइज करती हूँ कि कंटेंट को प्रेजेंट करने का जो तरीका हो सकता है उसमें थोड़ा सुधार मैं आपके लिए कर सकती हूँ। तो आपका हमारा सक्सेस तक साथ बना रहे इसके लिए मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिए। और चलिए आज देखते हैं वो कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जो हमारे इकोनॉमिक रिव्यू इकोनॉमिक सर्वे में शायद नहीं मिलेंगी लेकिन इस कोरोना काल में वो बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, तो उनको लेकर के मैं यहाँ आई हूँ। इसका टॉपिक भी यही है कि वो सरकारी योजनाएं जिनको हम छोड़ नहीं सकते। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट, अक्सर बात करती हूँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी जो टैगलाइन है वो बेसिकली है हेल्थ फॉर ऑल या राइट टू हेल्थ। राजस्थान एकमात्र या पहला ऐसा राज्य बना पूरे भारत में जिसने इररेस्पेक्टिव आप कौन से ब्रांच से आते हैं, कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, आपके इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उन्होंने राइट टू हेल्थ को इम्प्लीमेंट किया है। ये सरकार के द्वारा वित्त पोषित बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें हर एक परिवार के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज है। अब मैं आपको इस स्कीम पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ, स्कीम आपने बहुत पढ़ रखी होंगी, पर मैं कह रही हूँ कि जब आप अभी पढ़ रहे हो, आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो, तो जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनने चाहिए, तो इसका नोट कैसे बनेगा? तो आप पूरा नाम मत लिखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी, सिर्फ इतना लिखिए चिरंजीवी और उसके बाद में चार लाइनें बना दीजिए। योजना की खास बात क्या है? आईपीडी यानी भर्ती होने पर किस प्रकार से 50,000 रुपए तो मिलेंगे साधारण बीमारी के लिए और 4.5 लाख लोग 4.5 लाख मिलेंगे गंभीर बीमारी के लिए। तो ये तो होंगे गंभीर के लिए और ये है साधारण के लिए। जैसे हम जानते हैं कि इट है सब्स्टिट्यूटेड हमारी पुरानी वाली जो स्कीम थी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, तो यानी उसमें जैसे पहले 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, फिर लास्ट में 15 दिन के लिए, जो भी क्लॉजेस थे वो क्लॉजेस सब सेम है। द ओनली थिंग इज कि यहाँ दायरा बहुत बढ़ गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सामान्य लोगों के लिए 850 रुपए की एनुअल प्रीमियम है, सिर्फ इतना सा। खास बात यह कि जन आधार कार्ड होना जरूरी है, ये आधार से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके लिए जन आधार कार्ड की अनिवार्यता है। कौन इसके अंदर पहले से इंक्लूडेड है यानी उनको नाम भरने की जरूरत नहीं है, तो उनके चार नाम आप यहाँ लिख लीजिए, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में जो लोग ऑलरेडी आ रहे हैं यानी जिसको बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 वाले, इनके अलावा जो लोग बीपीएल हैं, जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है। बट द ओनली थिंग इज मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको अपनी भाषा में अपने हाथों से फटाफट लिखे। प्लीज ध्यान रखिएगा, इन नोट्स को आपको वैसे ही फेंकना पड़ेगा जैसे प्री हो जाएगा, उसके बाद मेंस के लिए आपको नए सिरे से बनाने पड़ेंगे। तो आप अपनी भाषा में कैसे भी हैंड राइटिंग में लेकिन फटाफट लिखिए। लिखने से दो फायदे होंगे, तो समरी बन जाएगी और एक आपको याद हो जाएगा। तो ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इनफैक्ट लिंक याद करने की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। ये याद रखना होगा कि लघु और सीमांत कृषक नए जोड़े गए हैं, संविदा कर भी नए जोड़े गए हैं और अन्य लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन किया गया था। खास बात ये कब से चालू हुई है, कब से चालू हुई, तो 1 मई से इसके लिए प्रावधान कर दिए गए थे, तो डेट याद रखनी जरूरी है। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 1 से 10 अप्रैल तक हर ग्राम पंचायत पर भी विशेष रजिस्ट्रेशन, तो 1 मई से इट केम इनटू फोर्स, हालांकि बाद में डेट बढ़ा दी गई थी पर हमें 1 मई याद रखना है। आगे चलिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि योजना का लाभ 1 मई से मिलेगा, लेकिन इस पूरे पेज की इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ कुछ शब्दों में लिखिए, निपटाइए और उसको बार बार रिविजन कीजिए, इस पूरे को पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये है, ये भी खास योजना थी, हालांकि प्रावधान किया गया था पिछले बजट में, इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसानों के लिए विशेष प्रावधान लेकर के आएंगे। तो जो 1,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष पिछली बार बनाया गया था उसमें से ये योजना वित्त पोषित है, कृषक कल्याण कोष। कर क्या रहे हैं,
सारे किसानों को ये कहते हैं कि कोशिश कीजिए फालतू में आप मोटर ना चलाएं, फालतू बिजली बिल ना कर बढ़ाएं। फायदा क्या होगा, सरकार की बिजली बचेगी, तो बचने का भी एक अच्छा तरीका उपाय सरकार ने सोचा है। दूसरा कि जो बिल आएगा उसमें 1,000 रुपए का वो है अनुदान, और ये 1,000 रुपए मान लीजिए इस बार आपका बिल सिर्फ 900 रुपए ही आया, तो 100 रुपए बच गया है, ये क्यूमुलेट हो जाएगा यानी अगली बार के लिए काम में आ जाएगा। तो इन टोटल पूरे साल के लिए 12,000 रुपए तक का ये दिया जाएगा अनुदान। तो ये एक अच्छी योजना थी जिसको मुझे लगा कि यहाँ इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये बजट के बाद में आई और ये उसके भी बाद में आई थी, आर्थिक समीक्षा के बाद में आई थी, तो ये आर्थिक समीक्षा में है नहीं। अगली स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये स्कीम थी राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों को 2,000 करोड़ रुपए की अधिक सहायता। ये सहायता उन परिवारों के लिए थी जहां परिवार के एकमात्र जो कमाने वाले व्यक्ति थे उनकी मौत हो गई थी, और ये बहुत बड़ी दुखांति का होती है जब परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, और सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कदम था। उसमें उन्होंने दो अलग अलग कैटेगरीज बनाई, अनाथ बच्चों के लिए किस प्रकार से और विधवा महिलाओं के लिए किस प्रकार से। विधवा महिलाओं के लिए आपको ये याद रखना है कि 1 लाख रुपए मुफ्त दोनों ही केसेस में है, तत्काल सहायता ग्रुप में 1 लाख रुपए। दूसरा, जैसे 1,500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से, यहाँ भी वही 1,500 रुपए है। इसी प्रकार से बच्चे प्रति एक बच्चा 1,000 रुपए, और उस पे कोई क्लॉज नहीं है कि 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो ये प्रति माह प्रति बच्चा ये दिया जाएगा, किस लिए कि बच्चे की पढ़ाई अच्छे से हो पाए और बच्चे का लालन पोषण पालन ठीक से हो पाए। सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्रेरी राइट साइड में आप देखेंगे कि इसके प्रोविजन मिलते हुए हैं जो प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स लाई, हालांकि पीएम केयर्स बाद में आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही यहाँ लॉन्च कर दी थी। तो ये याद रखना होगा कि जहाँ इसमें 1,000 रुपये प्रति माह था, यहाँ 2,500 रुपये प्रति माह तक की सहायता दी जा रही है। आवासीय विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ साथ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो भी छात्रावास है उनमें प्राथमिकता से इनको प्रवेश दिया जाएगा। और रिसेंटली सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी, उसका नाम था DBT वाउचर योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, और स्पेशली बेरोजगार बच्चों के लिए, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, तो अगर वो इसमें एनरोल हो पाते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट स्कीम आज तक जो आई है, अनुपति से भी अच्छी स्कीम है ये। आगे चलते हैं, उसी के पैरेलल है जो अभी हमने डिस्कस की, उसी के पैरेलल ये स्कीम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। प्रोविजंस बहुत सारे हैं, अब आपको ना इसको कैटेगरी में याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से लिख लीजिए पीएम केयर्स, और उसके बाद में 3 कैटेगरी कर लीजिए। एक तो वो बच्चे जिनका साथ देने के लिए कोई अवेलेबल है, दूसरे वो बच्चे जो कि हॉस्टल्स में रह पाएंगे यानी उनके लिए हॉस्टल का प्रोविजन है, और तीसरे वो बच्चे जो मतलब अनाथ हो गए हैं लेकिन 18+ या उसके सराउंडिंग वाली एज में, यानी ग्रेजुएशन उनका पूरा नहीं हुआ है, तो जो साथ किसी के रह सकते हैं, दादी नानी या परिवार में कोई और व्यक्ति हो, तो उनके लिए व्यवस्था की गई है कि वो घर के पास ही पढ़े, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, ऐसे प्रोविजन हैं। जो हॉस्टल में रह सकते हैं उनके लिए प्रोविजन है कि जो नवोदय विद्यालय जैसे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, या और जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें उनको प्रवेश दिया जाए। और जो 18+ वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रोविजन है कि जब वो ग्रेजुएट कर जाएंगे तब तो उनको पैसा मिलेगा, ये जो पैसा ही काफी ठीक ठाक है। तो इसमें आप देखेंगे जैसे वो ग्रेजुएट होते हैं करीब 10 लाख रुपए मिलेंगे, सो दैट वो अपने लिए कोई मतलब साधन जुटा पाए अर्निंग का, छोटा सा व्यवसाय खोल पाए या अच्छी तैयारी कर पाए आगे के लिए, तो ये उसके हिसाब से दिया हुआ है। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ जब आप पीएम केयर्स के नोट्स बनाएं तो इन 3 कैटेगरीज में बांट के और फटाफट छोटे छोटे नोट्स बना लें, और हैंडराइटिंग का ध्यान बिल्कुल ना रखें, आप हाथ से लिखेंगे तो आपको स्कीम 100% याद हो जाएगी। खास बात ये थी चूंकि ये पीएम केयर्स था तो आपको याद होगा कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, तो उसमें भी किया गया है कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को, हेल्थ से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए यहाँ पे भी बच्चों को 5 लाख रुपए तक का कवर दिया जा रहा है। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में ही अनाउंस कर दी थी, और ये बहुत ही अच्छी योजना इस परिप्रेक्ष्य में है कि जो भी अनाथ बच्चे हैं उन अनाथ बच्चों के लिए यदि कोई समाज से व्यक्ति सामने आता है और ये कहता है कि मैं इनको पाल लूंगा, मैं इनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दूंगा,
तो उनके लिए एनजीओस की मदद से या जिनको हम भामाशाह कहते हैं उनकी मदद से एक ऐसा प्लेस डेवलप किया जाए जहाँ हॉस्टल टाइप, जहाँ बच्चे रहें, अच्छे से पढ़ें और उनको वित्त पोषण करने के लिए सरकार देगा, देगी पैसे। तो उनके लिए देखिए योजना और बहुत अच्छी योजना थी। अब इसमें खास देखने लायक बात ये थी कि 4,000 रुपये प्रति माह प्रति बालक मिलेंगे और 20,000 रुपये जो देखभाल करता है उसको मिलेंगे, प्लस अन्य व्ययों के लिए भी 10,000 रुपये प्रति माह पैसे मिलेंगे, क्योंकि संचालन करने के लिए आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। इस योजना को यहाँ साथ में इंक्लूड करके मैंने एक और इमेज इंक्लूड की है, उसको देखते हैं। ये इमेज है दैनिक भास्कर में आई हुई थी, वहां से मैंने कटिंग ली है। चूंकि ये योजना लॉन्च की सरकार ने, तो ये जरूरी है कि हम ये देख लें कि गौरा धाएं कौन थी, क्योंकि करंट अफेयर्स का मुद्दा हो गया है। ये वो एक बलिदानी माँ थी जिन्होंने मारवाड़ राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान दिया। तो जैसे हम पन्ना धाए माँ के लिए सुनते हैं, वैसे भी गौरा धाएं एक बहुत ही रेस्पेक्टेड महिला रही हैं। अब ऐसा हो सकता है कि इनसे संबंधित सवाल प्री में पूछ लिया जाए, जिसको हम ये सोचें शायद आर्ट एंड कल्चर से पूछा है, पर एक करंट अफेयर्स का भी मुद्दा था। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ है, इसको प्लीज पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ आते हैं जन आधार कार्ड, हमने अभी बात की थी। जन आधार कार्ड के लिए जो टैग लाइन है, वो टैग लाइन है एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। ऐसा आप सोच सकते हैं कि जब आधार कार्ड पहले से था तो हम एक नंबर एक इस आधार कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी, जन आधार कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी। चूंकि आधार कार्ड की जो अथॉरिटी है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, UIDAI अथॉरिटी है। अब उस अथॉरिटी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, समय समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहते रहते हैं कि आपको एक वर्चुअल नंबर जारी करना पड़ेगा, कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेसी का मुद्दा आ जाता है, और हर बार ऑथेंटिकेट करना भी अपने आप में एक बर्डन है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए राजस्थान सरकार ने खुद की एक रिपोजिटरी बनाई है, जो ऑफकोर्स उस आधार से भी लिंक्ड है, लेकिन आधार से लिंक डेटा फैच करने के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर द ऑथेंटिकेशन। डेटा इज एक्स, मैं कहूंगी सुपर सेट है, यानी जो यहाँ आधार में आपका डेटा जुड़ा हुआ है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ है, और ये परिवार बेस्ड है, जबकि जो आधार कार्ड का डेटा है वो परिवार बेस्ड ना होकर के इंडिविजुअल बेस्ड है। तो इसको बनाने के पीछे पर्पज ये था कि एक परिवार के लिए जितनी भी योजनाएं शामिल हो सकती हैं उनको परिवार के रूप में दी जाएं। तो ये अब इस इमेज को इंक्लूड करने का कारण ये है कि पहली बात तो ये सरकार की तरफ से जारी की गई थी। मैंने इस पेज में पूरी कोशिश की है कि मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ना लूं जो कि किसी का कॉपीराइट मटेरियल है। दूसरा, अक्सर मैं कहती हूं कि जब आप मेंस के आंसर लिखें तो गोले बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं। तो देखिए कितना खूबसूरत फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल सरकार ने कर रखा है। ये देखिएगा इनके जो बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको अपनी भाषा में कम से जगह पे लिख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये परिवार बेस्ड है, और इसमें जरूरी नहीं है कि परिवार का मुखिया सिर्फ महिला ही हो, ये एक एडिशनल पॉइंट है। महिला है बहुत वेर एंड गुड, लेकिन जिन परिवारों में महिलाएं 18 प्लस नहीं है उनमें पुरुष मुखिया है। दूसरा, सरकारी योजना जन कल्याण की योजनाओं के लिए लाभ सेवाएं मिलेंगी, ये पहचान के लिए काम आ सकता है, ये पते के प्रमाण के रूप में भी काम आ सकता है। आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ इसमें मिलेगा, बेसिकली इसका नाम कन्वर्ट होकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया है। फिर योजनाओं की पात्रता निर्धारण में बहुत ही सहायक और उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जैसी इन्फॉर्मेशन है कि कितने लोग कमाने वाले हैं, परिवार का स्टेटस कैसा है, वार्षिक आय कितनी है। और जब आप ये कार्ड बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपसे इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाती है, पैन नंबर बताइए, और ITR में आप भरते हैं तो किस स्लैब में आते हैं, परिवार का मुखिया कौन है। तो ये उससे रिलेटेड, इससे एटलीस्ट कुछ लोग तो एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएंगे जो कि एलिजिबल नहीं है उन सेवाओं के लेने के लिए जो कि गरीबों के लिए बनी है। नेक्स्ट इज मोबाइल ऐप से बहुत आसानी से इसको संचालित किया जा सकता है, जो कि आधार के लिए जो एम आधार ऐप है उसमें इतनी सारी फीचर्स अभी ग्रास रूट लेवल पे नहीं है। तो दिस इज अ वेरी वंडरफुल स्कीम, बट आई रियली विश कि ये लंबी चले। कल हम बात कर रहे थे प्रशासन गाँव के संग अभियान, शहरों के संग अभियान, बहुत ही शानदार अभियान है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे घर बना करके बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमें इसका पट्टा मिलेगा। तो ऑफ कोर्स हो सकता है उनका अतिक्रमण हो सकता है, उनकी लीगल जमीन हो, उस बहस पे हम नहीं जाएंगे, पर जो जहाँ बहुत सारे सालों से रह रहा है उसको वहां रहने का वो अधिकार मिलना चाहिए, इस सोच के साथ में। और
गांव में जितने भी मुद्दे होते हैं, कभी रास्ते की लड़ाई होती है, कभी बंटवारे के विवाद होते हैं, कभी बाढ़ के विवाद होते हैं, तो आपसी सहमति से उनका निपटारा हो पाए। प्लस अभी हमने एक बहुत ही अच्छी बात ये भी देखी थी कि जो 30+ के लोग हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। तो इन सभी उद्देश्यों को लेकर के दो अभियान चालू किए गए हैं। इन दोनों अभियानों में पूछने लायक बात क्या है जिसपे से आरपीएससी, आई एम सॉरी, आरपीएससी क्वेश्चन बना सकती है, वो ये होगा कि कब शुरू किए गए और कब तक चलेगी टाइप्स। ये देखिए कब शुरू किए गए और कब तक, और यूडीएच, माननीय यूडीएच मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ में किया था, वो जनरली सवाल नहीं आते। हाँ, 2016 में एक सवाल पूछा गया था घुंघोरे गांव से रिलेटेड, पर इसको देखकर नहीं लगता कि इससे कोई ऐसा कोई सवाल आएगा। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सम ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा कॉमन है, हम अपने सिंपल थॉट प्रोसेस से भी ऑब्जेक्टिव खुद लिख सकते हैं अगर एक भी याद नहीं किया है तो। आगे देखिएगा, ये एक अच्छी योजना थी, इसका वर्णन हमें उसमें भी मिलता है, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली मैंने यहाँ इंक्लूड किया क्योंकि मैं सरकार की वेबसाइट जब ब्राउज कर रही थी तो मुझे दिखा कि ये इंदिरा रसोई योजना है नहीं है। चलो इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। इसको जब आप लिखें तो सिर्फ रसोई योजना लिख लीजिएगा क्योंकि इंदिरा मैडम का नाम तो वैसे भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ रसोई, और रसोई क्या है, 8 रुपए। रसोई क्या है, 20, 8, 20 से शुरू। और रसोई इस योजना में क्या है, भोजन की थाली की कीमत 20 रुपए है, 8 रुपए व्यक्ति खुद पे कर रहा है और 12 रुपए सरकार अनुदान दे रही है। फिर देखिएगा, ये कोई इस इन लक्ष्यों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लक्ष्य हर रोज बदल जाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जो आजकल सारी स्कीम्स की हो रही है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या मिलेगा, दाल चपाती सब्जी और अचार। अच्छा, कहाँ से शुरू किया गया, आप ये कह सकते हो कि सर जो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में शुरू किया गया था। तो जो तीस चौथा फिगर याद रखने लायक है वो सिर्फ ये है कि 213 नगरीय निकायों में शुरू किया गया, और इसमें कुछ भी याद रखने लायक बात नहीं है। तो ये देखिएगा, इतनी बड़ी जो इस पेज पे पोस्टर में इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी उनको हमने सिर्फ इन कुछ शब्दों में निपटा लिया। तो ये वो तरीका है जिससे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। मैं आपकी इस यात्रा में सिर्फ एक गाइड का रोल निभाना चाहती हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे पढ़ें। पढ़ना तो मेरे भाइयों बहनों आपको खुद को ही पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये आर्थिक समीक्षा में भी है लेकिन ये सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनमें भी है। तो इसका भी मैंने इमेज सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया कि ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, उसके बाद में आएंगी दिवाली, तो समय के हिसाब से इसकी डिमांड है कि ये सवाल पूछा जा सकता है। ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान खाद्य पदार्थों में मिली हुई अशुद्धियों के खिलाफ है और इसमें प्रोविजंस भी बहुत कठोर किए गए हैं। तो उससे रिलेटेड यदि कोई सूचना देता है तो उसके लिए इनाम की व्यवस्था भी है। ये एक महत्वाकांक्षी योजना थी और काफी घरों में ये पौधे पहुंचे हैं, तो मुझे लगा इनको भी डिस्कस करते हैं। घर घर औषधि योजना, क्योंकि जैसे ही जुलाई अगस्त वाला टाइम आता है सभी जगह पूरे भारत में एक साथ कुछ योजनाएं चलती हैं जिनमें कारण ये होता है कि वो वन उसको अफॉरेस्टेशन खूब करें, यानी वन वन को लगाने का कार्य करें या वन को बढ़ावा देने के कार्य होते रहते हैं। कई जगह ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं सैपलिंग्स, यानी छोटे छोटे पौधे बांटे जाते हैं, इनको लगाइए दीवारों, आई एम सॉरी, रोड के किनारे लगाइए या जहां आपको दो खेतों के बीच में मेड़ है उस पे लगाइए ताकि जो हमारा कैनोपी एरिया वो बढ़ पाए। तो लेकिन इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि घरों में ऐसे पौधे दें जिनका हम औषधीय उपयोग कर पाए। जैसे ही कोविड आया अधिकांश घरों में लोगों ने खूब काढ़े बनाए और खूब पिया और फायदा भी मिला। तो तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, इन चार पौधों की सेपलिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और लोगों ने घरों में लगाए हैं। इससे जो सवाल बन सकता है वो ये है कि निम्न में से कौन सा पौधा नहीं है। तो हो सकता है ये इनमें से कोई भी तीन नाम दे दे और एक कोई और नाम दे दे। तो इनको प्लीज आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा कि इनका कोई आप तुक्का बना लो यानी निमोनिक बना लो। आगे चलते हैं, ये है कुशल मंगल कार्यक्रम। जनरली हम आईसीडीएस में पढ़ते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं,
लेकिन ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि बहुत छुपा छुपा से रहता है, इनफैक्ट कवियों, क्योंकि इन जनरल ये कहीं मिलता नहीं है। और आरपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछने की कोशिश भी करती है जो लाइमलाइट में नहीं रहती स्कीम्स, तो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये कुशल मंगल योजना काफी समय से चल रही है, और इसमें करना क्या है, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन महिलाओं को डायबिटीज है या कोई और डिसऑर्डर है या कोई और बड़ी परेशानी है, लेकिन जब वो गर्भ धारण करती है तो उसके बाद में वो परेशानी बच्चे तक भी आती है और आईएमआर और एमएमआर बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनको स्पेशल केयर की जरूरत है, उससे रिलेटेड ये एक स्कीम है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज को हैंडल करने की स्कीम है जो कि राजस्थान में बड़े अच्छे से चल रही है। आगे चलते हैं, ये है इंदिरा गांधी मातृत्व तो पोषण योजना। ये इस योजना की शुरुआत सिर्फ 4 जिलों में की गई है। इसमें याद रखने लायक बात यह है कि आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि जो 4 जिले हैं वो कौन से हैं। वो चारों जिले ट्राइबल एरिया वाले हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उदयपुर नीचे भी लिखा हुआ है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। एक तो 4 जिलों के नाम याद रख लीजिए। और इसमें करते क्या है, जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनके अलावा एडिशनल बेनिफिट हैं, उसमें ₹6,000 मिलेंगे किनको, प्रेग्नेंट वुमेन को और लैक्टेटिंग मदर्स को। इसमें क्या है, अच्छा, दिस इज मोर फोकसिंग अपॉन दिस सेकेंड चाइल्ड, बिकॉज फर्स्ट चाइल्ड के इसमें तो काफी लोग मिल जाते हैं। ये देखिएगा, द्वितीय संतान के समय प्रथम गर्भावस्था जांच और पंजीकरण होने पर ₹1,000, और फिर ₹1,000 करके, ये काफी सारी किस्तों में, लेकिन ₹6,000 है। एंड दिस इज ओवर एंड अबव एवरीथिंग एल्स, जस्ट टू मेक श्योर कि जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके अंदर हेल्थ इश्यूज कम से कम हो और हेल्दी मदर और चाइल्ड हो, इसकी वजह से शुरू की गई थी। और ये भी कम फोकस में आई, लेकिन ये अच्छे से चल रही है। और यदि आप ट्राइबल एरियाज में जाते हैं तो आपको सीरियसली महसूस होगा कि वो अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। ये एक स्कीम है, क्योंकि मैं आईटी से हूँ और मैंने इसका इस्तेमाल भी किया है, और कोरोना काल में इस पर्टिकुलर ऐप ने बहुत लोगों को हेल्प की है। ये ऐप है रिलेटेड टू ई संजीवनी ओपीडी, ये एक मोबाइल ऐप होती है, आप इसको डाउनलोड कीजिए। ये है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड, लेकिन इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप किया है यानी इसको इम्प्लीमेंट किया है राज्य सरकारों ने। किस प्रकार से, जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको दिखता है कि आप राज्य का सिलेक्शन कीजिए और उससे रिलेटेड कौन कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो आपको दिखेगा किसी और राज्य में हो सकता है 20 डॉक्टर अवेलेबल हो, सकता है राजस्थान में 17 ही हो, ऐसा हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में शायद 7 या 8 ही हो। लेकिन ये एक ऐप अच्छी थी, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप डॉक्टर से पूछ सकते थे कि मेरे को ये सिम्टम्स हैं, ये परेशानियां हैं और मेरे लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। ऑफ कोर्स ऐसी सारी चीजें जिनके अंदर आवश्यकता थी कि डायग्नोसिस की जाए, उनके लिए डॉक्टर ने रिकमेंड कुछ और किया, अदरवाइज ऐसी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली थी। तो ये कोविड से रिलेटेड होने के कारण मैंने इसको इंक्लूड किया है। इसका नाम है ई संजीवनी ओपीडी। अब आगे चलते हैं, ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना थी, स्वामित्व योजना, और ये अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है तो ग्रास रूट लेवल तक लैंड से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है उनमें भारी कमी आएगी। ये योजना इस बात से संबंधित है कि जो ग्रामीण भारत है उनमें लोगों की लैंड बाउंड्री कहाँ तक है और किसके नाम से वो रजिस्टर्ड है, उसके लिए उनको एक डिजिटल कार्ड दिया जाए। अब इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने लायक बात यह है कि एक तो डिजिटाइजेशन किया जाएगा, डिजिटल कार्ड दिया जाएगा, दूसरा ये कौन से राज्यों में शुरू की गई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, तो हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लगभग 1 लाख गाँव में सर्वेक्षण किया गया, और अभी राजस्थान के बॉर्डर स्टेट में भी चल रही है। उसके बाद में ये कि जो इसका डिजिटाइजेशन करने के बाद में आपको कार्ड मिलेगा, क्या आप उसको लीगली क्लेम कर सकते हैं, हाँ वो किया जा सकता है। तो ये इनको संपत्ति का लाभ मिलेगा विभिन्न विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से। एक किसान अपना कार्ड लेके चला गया और जाके बोले बैंक से कि ये मेरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसमें मेरी सारी डिटेल्स हैं, ये मेरा कार्ड है, आप मुझे लोन दीजिए, तो उसको लोन मिलने में बहुत आसानी होगी। इनफैक्ट जो पीएम किसान योजना में डिसबर्समेंट ऑफ मनी होती है वो भी बहुत इजीली ट्रैकेबल हो जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी की ओर एक अच्छा कदम है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके लिए बहुत बड़ा पैकेज दिया गया था। इसके उद्देश्य सिर्फ तीन थे, ये कि जो भी लोगों का रोजगार छूटा है, पहली बात तो उनको खाना दिया जाए, तो यानी
उनके लिए भोजन की व्यवस्था, दूसरा जो लोग एलिजिबल हैं उनके लिए मनी ट्रांसफर की जाए थोड़े से राहत के रूप में, बहुत बड़ी मनी नहीं थी लेकिन थोड़ा थोड़ा पैकेज भी अपने आप में बहुत होता है। तीसरा यदि हो पाए उनके लिए तो रोजगार की व्यवस्था की जाए, जैसे मनरेगा में एक्स्ट्रा डिसबर्समेंट कर दिया मनी का या कोई और तरीकों से, तो ये उससे रिलेटेड था। अब इसमें देखिए ये इसका सरकार की तरफ से जारी किया गया एक रिपोर्ट कार्ड है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना, ये नहीं ना कितने पैसे दिए हैं, सिर्फ इतना कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो अकाउंट खुले गए थे और वुमन अकाउंट होल्डर्स थे उनको उन्होंने पैसे दिए। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अबाउट 10 करोड़ ओल्ड पीपल, यानी जो समाज कल्याण वाली जो योजनाएं थी, ओल्ड एज पर्सन, विडोज एंड डिसेबल पर्सन, उनको 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए गए। फिर उसके बाद में फ्रंट लोडेड टुवर्ड्स पेमेंट फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान योजना, ये भी समय से पहले दे दी गई थी। उसके बाद में देखिएगा कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो कि पीएम श्रमिक योजना के अंदर इंक्लूडेड थे उनको भी पैसा दिया गया, क्योंकि ये सारा काम एकदम ऑन होल्ड आ गया था। फिर ये देखेंगे कि आप ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने एक और योजना शुरू की थी, उसमें कहा था कि यदि कोई नया वेंचर खोला जाता है तो शुरुआत के 5 सालों के लिए ईपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो ये उसी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि बंद हो गए थे व्यवसाय तो ईपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी बंद हो गया था, तो एडिशनल पेमेंट सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया। और फिर ये था कि लास्ट वाला है जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए भी इतने करोड़ रुपए दिए गए। सो इन ऑल इट इज अ रिपोर्ट कार्ड बट इट शोज अस कि पीएम गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंदर पैसा किन किन डाइमेंशन में दिया गया। आगे चलते हैं, ये एक मुझे छोटे से क्लिप मिली, मुझे याद है प्रधानमंत्री जी का ही मैं ट्विटर अकाउंट देख रही थी उन्हीं में शेयर किया गया था, तो मैंने वहीं से कॉपी किया। इट इज रिलेटेड टू सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर खास बात यह है कि सुनने में कहीं नहीं मिलती। तो इसके लिए करना क्या है, आप इसको ये देख सकते हैं, कृषक उत्पादक संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों को व्यक्तिगत सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के उन्नयन के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना। करना हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि लोकल लेवल पे फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, यानी खाद्य प्रसंस्करण को लोकल लेवल पे बढ़ावा देना, सो दैट एक तो जो हमारा खाना खराब होता है यानी खाद्य पदार्थों का जो खराब होते हैं उनसे हम बच पाए, दूसरा लिक्विडिटी बढ़े, लोगों की आर्थिक गतिविधि बढ़े, ये भी एक प्रोग्राम था। तो उससे रिलेटेड ये सारा एक्सरसाइज में देखा गया कि कोल्ड स्टोरेज बनाना, गोदाम बनाना, प्रयोगशाला की सुविधा, इनको इंक्यूबेशन केंद्र, फिर एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित फल सब्जी एवं अनाज उत्पादों के लिए उद्यमों को अनुदान में प्राथमिकता देना। आपको याद होगा ये मुझे याद है मार्च की बात है जब चिन्हित किए गए थे कौन से कि हर जिले के लिए वो कौन सा उत्पाद है जिसको प्राथमिकता के रूप में बढ़ावा देना है, तो ये उससे संबंधित है और उनको इधर बढ़ावा देना, उसकी एक लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट पत्रिका में भी ये प्रकाशित हुआ था, ऑनलाइन आप देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि जिलेवार राजस्थान सरकार ने भी जारी की थी, इनफैक्ट एक नहीं दो दो तीन तीन प्रोडक्ट्स भी थे काफी सारे जिलों में। मुझे यकीन है कि आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी स्कीम्स हैं, सबको कवर नहीं कर सकते और इनफैक्ट मैं आपको सारी पढ़ा भी नहीं सकती, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि आप स्कीम को कवर करने के लिए स्ट्रेटजी क्या अपनाएं। तो आप स्कीम का नाम लिखिए और उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ लिखिए, प्री इज एन एग्जाम फॉर ओनली फैक्ट्स, तो जो भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वहाँ लिखिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। मैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर सुजस मैगजीन के जनवरी टू सितंबर तक के एडिशन शेयर कर दिए हैं, वो इसलिए किए हैं और उन लोगों के लिए किए हैं जो प्री के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जिन्होंने पहले एक दो बार मेंस लिख रखा है, उनको लगता है कि मैं और पढ़ सकता हूँ या और पढ़ना चाहती हूँ, उनके लिए है। जिन्होंने इसी साल पहली बार प्री देना है तो उनको कहूंगी प्लीज आप सुजस मैगजीन को मत पढ़ना, आपको बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। ये उनके लिए है जो साथ साथ में मेंस की तैयारी कर रहे हैं और उनको एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए। दूसरा, आप ये कोई और क्वेरी हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी 5-6 मेल ऐसी हैं जिन पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपके क्वेश्चन और मेरे आंसर्स, और जिनकी प्राइवेट या पर्सनल क्वेश्चंस थे जो कि ऑनलाइन डिस्कस नहीं किया सकते उनको मैंने रिप्लाई कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू आर शेयरिंग ऑन मी और हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, आप बहुत आसानी से क्लियर कर जाएंगे,
बस साथ साथ चलते रहिए, हर रोज रिवाइज कीजिए, और इस समय तो आपका पढ़ने का ग्राफ कम से कम 12 घंटे का आना चाहिए, 12 घंटे, ट्रूथफुल 12 घंटे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।